Sonakshi, it's... मैंने सिर्फ पूछा है कि ये सच है या झूठ. You know I trust you. बताओ. Sonakshi, it's not what it looks like. ऐसा नहीं है. मैंने सिर्फ यही पूछा है कि सच है या झूठ. It's not that simple. It is simple. है या नहीं है? माँ, जीजी, तो ये हो तुम, ये है तुम्हारी असलियत. हमने तुम्हें सपोर्ट करते टाइम कभी नहीं सोचा कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, लेकिन तुमने दिखा दी ना एहसान फरामोशी. वो भी ऐसे, मैंने तुम्हें अपनी बहन माना और तुमने मेरे घर में क्यों? नेहा मेरी बात सुनो, किसी ने हमारी ड्रिंक को स्पाइक कर दिया था. उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं. ठीक सर से पूछो. अब आस करने को लेफ्ट क्या रह गया है? हाँ, तुम्हारी वजह से हमारी पूरी फैमिली का नेम पूरी दुनिया में बैड हो गया है. सब मेरा फॉल्ट है. मैंने जीजी से जिद की थी कि तुम्हें इस हाउस में लिव करने दे और तुमने ये किया. तुमने आंटी आंटी मैं जानती हूँ मैं जो कहूंगी आप लोग विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात पे, लेकिन मैं सच कह रही हूँ. ये कोई मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है. ये टीवी पे न्यूज कैसे आई मुझे कुछ नहीं पता. ऐसा कहिए ना प्लीज. हाँ सोनाक्षी संजना सच कह रही है. मुझे उससे मतलब नहीं है ना देव कि वो क्या कह रही है. मुझे मतलब तुमसे है देव. भरोसा मैंने तुम पे किया था. तुम पे भरोसा था जो तुमने तोड़ दिया ना. क्या कहा था तुमने? अगर कुछ टूट जाएगा तो हम साथ मिलके उसे जोड़ देंगे. जुड़ सकता है ये कभी नहीं जुड़ेगा क्योंकि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया. तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया. बर्बाद कर. सोनाक्षी भैया ये न्यूज़ वाले लोग इन्हें बहुत रोकने की कोशिश की फिर भी अंदर आ गए. रुको मिस्टर दीक्षित. मिस्टर देव दीक्षित, मिस संजना के साथ आपके क्या संबंध है और कब से? हमने तो सुना है कि आप और आपकी वाइफ के बीच में पहले से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रहे थे. इनफैक्ट आप दोनों मैरिज काउंसलिंग भी ले रहे थे. ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग? क्या भाई सवाल पूछ रहे हैं आप लोग? और आपको अंदर किसने आने दिया? चलिए आप बाहर चलिए. ये जो कुछ भी है ये हमारा आपसी का मामला है. आप प्लीज जैसे जाइए. कुछ बंद चलिए आप लोग. सोनाक्षी हाँ प्लीज. हमेशा आपने जो कहा मैंने सुना मैंने किया. आज मुझसे ऐसा कुछ नहीं मांगता जो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी. तू क्यों जाएगी इस घर से? तू क्यों जाएगी? तूने क्या गलती की है जिसकी सजा तुझे मिलनी चाहिए? इस घर से तू जाएगा वो जिसने गलती की है. जिसने इस परिवार की मान मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी है. सालों से कमाया हुआ मान सम्मान सब कुछ बिखेर के रख दिया और इस सब के लिए दिन भी कौन सा चुना? दिवाली का. दिवाली के दिन भगवान राम वनवास काटकर अपनी मां के पास लौट कर आए थे और आज एक मां अपने बेटे को इस घर से इस परिवार से हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगी. मां देव
चला जा, तू चला जा अब इस घर से, हम सब से, तेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू चला जा। जी जी, ये क्या कह रही हैं आप? जी जी, इस हाउस से अगर किसी को जाना है तो इस विलेनी को जाना चाहिए ना। देव आपका ओनली सन है, हाँ मिस्टेक हुई है उससे, लेकिन माफ कर दीजिए उसे। गलतियां माफ की जा सकती है भाभी, पर गुनाह नहीं माफ किया जा सकता। और देव ने एक साथ कई दिल तोड़ने का गुनाह किया, सोनाक्षी के विश्वास के साथ उसने माँ का दिल तोड़ा है भाभी, मेरा भ्रम तोड़ा है कि मैं एक अच्छी माँ हूँ जिसका बेटा कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। और रही बात इस लड़की की, इसकी तो बात ही नहीं करना चाहती। बस देव, अब कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तू चला जा और कभी लौट कर वापस मत आना। एक माँ अपने बच्चे के सच के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, पर उसके झूठ के लिए उसका साथ दे दुनिया से नजरें भी नहीं मिला सकती। वाह वाह, स्टैंड कर रही है, तुझे अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है? ये अनाउंसमेंट भी न्यूज़ में निकलवानी पड़ेगी। चली जाओ इस घर से, गेट आउट। ये घर अब घर कहां रहा? इस धमाके के बाद तो इसे खंडर बना दिया है मैंने। देव अब इस खंडर में नहीं रहेंगे, उन्हें भी जाना होगा मेरे साथ। फाइनली इतना हसीन मौसम, ऐसे में मैं और देव अकेले, इट विल बी अ परफेक्ट डेट। देव का है? चले गए। नहीं, स्विच्ड ऑफ है। Thank you.
missed you. Okay. I missed you, Miss Bose. हमने इसीलिए रूम बुक नहीं किया है. It's not a honeymoon. मेरा मून यहाँ है. हनी यहाँ है. हनीमून तो हो ही सकता है. अरे अरे ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? अरे वजन बढ़ गया है तुम्हारा. मेरा वजन बढ़ गया. अच्छा तुम कमजोर हो गए हो. अच्छा कमजोर हो गए. बताओ बताओ. प्लीज सीरियस. ओके बच्चों ने न्यूज पे कुछ देखा तो नहीं ना? आई मीन थैंक गॉड आजकल स्कूल बंद है और इन्हें छुट्टियां हैं. अदरवाइज वो ठीक है. और घर पे सभी उनका ध्यान रख रहे हैं. एंड दे आर मेकिंग श्योर कि वो ऐसा कुछ टीवी पे ना दिखे. वेट आज हमने ना सेल्फी ली. तो कहाँ था मैं? सीरियस हो जाओ. मैं बहुत सीरियस हूँ सोनाक्षी. एकदम सीरियस. क्या? I know. हमने ये रूम इसलिए बुक किया है ताकि हम मीडिया से छुप के संजना से छुप के मिल सके. क्योंकि अगर संजना ने हमें एक साथ देख लिया तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा. थैंक गॉड सोनाक्षी उस दिन तुमने अपनी गट फीलिंग शेयर की. देव मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन आई एम वेरी श्योर कि माँ की जो मेडिसिन है वो संजना नहीं बदली होगी. अगर वो माँ के साथ ऐसा कुछ कर सकती है ना देन वो कुछ भी कर सकती है. शी इज वेरी डेंजरस. यू आर राइट. नाउ इट ऑल मेक्स सेंस. सोनाक्षी मैं कुछ तुम्हें बहुत दिनों से बताना चाह रहा था लेकिन बता नहीं पाया. बट आई गेस नाउ इज द राइट टाइम. सोनाक्षी जब मैं संजना को हेल्प करने के लिए वहाँ गया था और वापसी पे हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तब यू ट्रस्ट मी राइट. पूछने की बात है क्या देव? मुझे पता है अगर तुम होश भी खो बैठोगे तब भी ऐसा कुछ नहीं करोगे. इतना भरोसा है तुम पे. थैंक यू फॉर दिस ट्रस्ट. नो देव बहुत आसान होता है इतने सालों की रिलेशनशिप को एक मिनट में तोड़ना लेकिन हम एक दूसरे पे इतना भरोसा करते हैं. एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं इस साथ ऐसे हाथों में हाथ डालकर हम तूफान का सामना भी कर लेते हैं. और फिर हमने अपने अपने लेवल पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू की. संजना ने यहाँ पे ऐसा कोई क्लू नहीं छोड़ा है. तुम अपने एंड पे प्लीज ढूंढते रहना एंड जब भी कुछ भी पता चले मुझे फौरन कॉल कर लेना. संजना एक बार हो जाएगा तो मैं बुला लूं. ओके. संजना को पता भी नहीं था कि मैं साइबर टेक के साथ संजना के बारे में ही पता लगा रहा था और सबसे इम्पोर्टेंट था माँ के साथ संजना की असलियत शेयर करना. ये सब कुछ संजना का ही किया हुआ है. उसी ने हमारे पीने के पानी को स्पाइक कर दिया था और उसके बाद ये फोटोज का नाटक भी वही कर रही है कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है. वो एक बहुत खतरनाक गेम खेल रही है. लेकिन सवाल हमारी फैमिली का है. हमारी फैमिली के साथ हम उसे खेल नहीं खेलने दे सकते. अब उसका अगला स्टेप होगा ये बात को मीडिया में देने का और शायद उस वक्त आपको कुछ मुश्किल डिसीजंस लेने होंगे. आपको तकलीफ होगी लेकिन आप कमजोर मत पड़ना. आप हमारी ताकत हैं और उस वक्त हमें उस ताकत की जरूरत होगी. इस घर से हम सब से तेरा कोई रिश्ता नहीं है. तू चला जा.
तो इतना गुस्सा आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि उसे अभी पुलिस के हवाले कर दूं। लेकिन कुछ नहीं देव, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें पता है उसने क्या किया है? उसने खुद की एक सिचुएशन बना ली और तुम्हें उसमें फंसा लिया। फोटोज भी है उसके पास, एंड शी कैन यूज दैट अगेंस्ट यू इन कोर्ट। तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर सकती है। एंड यू नो, वो सुहाना की असली मासी है। वो सुहाना को हमसे दूर। नो देव, वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू स्टिक टू आवर प्लान, ताकि संजना बिना नुकसान पहुंचाए हमसे दूर चली जाए बस। यू आर राइट, व्हाट नेक्स्ट? जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके खिलाफ मिल सके ना, वी शुड कलेक्ट देम। एंड यू नो व्हाट, उसका एक्स बॉयफ्रेंड है पार्थ, उसे उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ। वी कैन गेट समथिंग यू नो फ्रॉम हर पास्ट। गुड, आई होप कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे सके वो संजना के पास से जुड़ी, जिसकी हेल्प से हम आगे बढ़ सकें। या तुम? इज डिसाइडेड, संजना पर बॉम्ब गिराने जा रहा हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं। तू ये बता, वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ। लेकिन राधा रानी, तेरी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कुछ मुझसे छुपा रही है? नथिंग छुपा रही हूँ, वो गला थोड़ा खराब है ना, खराश है, तो आवाज से आपको ऐसा लग रहा है। कुछ तो शर्म कर बेशरम, और कितना झूठ बोलेगी? आप ऑलरेडी हेयर हैं, लेकिन आप तो कह रहे थे कि 2 वीक के आफ्टर आएंगे। तेरा झूठ बाहर लाने के लिए मुझे भी झूठ बोलना पड़ा। तू तो मुझे रोज फोन किया करती थी। तेरी समझ में एक बार भी नहीं आया कि मेरी ननद के परिवार में इतना कुछ हो गया है तो अपने अपने पति को बता दूं कम से कम? मैं आपको वरी नहीं करना चाहती थी। दिमाग खराब हो गया तेरा? इस परिवार का एक हिस्सा हूं मैं, इस परिवार में क्या हो रहा है वो जानने का हक है मेरा, अधिकार है, जिम्मेदारी है मेरी। आप मुझे सॉरी कर दीजिए। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ईश्वरी से बात करता हूं, चुप रह बस। प्लीज, I'm so sorry, इतना मैसी हो गया ये पूरा रूम। प्लीज सिट सर, बैठिए ना। आपने बताया नहीं आप आने वाले हैं। क्या लेंगे आप? आई नो यू लव कॉफी, मैं कॉफी लेकर। संजना, एक्चुअली दूध भी नहीं है। संजना, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूं। आई डोंट नीड एनीथिंग। श्योर श्योर सर, लेकिन आप कुछ तो लेना चाहिए आपको। यू मस्ट हैव समथिंग। 2 मिनट। Hi, please sit, come. Thank you so very much for coming, Parth. यहाँ तक आए मेरे लिए। Please sit. What will you have? Coffee, tea? क्या बोल? No ma'am, thank you. Are you sure? Yeah. Parth, actually मुझे तुम्हारी help की जरूरत पड़ेगी। In fact, मेरी पूरी family को तुम्हारी help की जरूरत है। I know आपको संजना के बारे में कुछ बात करनी है। मैंने कल ही न्यूज चैनल पर वो खबर देखी। इट्स अ लिटिल पर्सनल, लेकिन जानना जरूरी है। आई नो कि तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ है, और आई जस्ट वांट टू नो कि ब्रेकअप किस वजह से हुआ, वो रिलेशनशिप तुम दोनों का कैसा था? हम एक दूसरे को बहुत चाहते थे, एटलीस्ट मुझे तो यही लगता था। बट फिर धीरे धीरे संजना का प्यार ऑब्सेशन में बदलने लगा और मेरा रिलेशनशिप एक नाइटमेयर बन गया। मुझे लेके वो उससे ज़्यादा पॉजिटिव थी। उसके टू मच इंटरफेरेंस की वजह से मेरी और मेरी मॉम के बीच में डिफरेंसेस आ गए थे। उसने मेरा मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ हैक कर लिया था।
She is a software engineer, so she knows all this. Software engineer मतलब वो interior decorator नहीं है? वो क्या है, क्या नहीं है, वो उसके झूठ पे depend करता है. जब मैं बहुत ज़्यादा stress में रहने लगा था, तो finally मैंने decide किया था उसके साथ breakup करने के लिए. But she tried to harm me. Can you imagine उसने मुझ पे attack किया था, और मेरी जान जा सकती थी. एक्चुअली मेरी फ्रेंड रीना घर में नहीं है ना, तो घर में कुछ सामान ही नहीं है. संजना प्लीज स्टॉप, मैं बस तुमसे ये कहने आया हूं कि हमें आज के बाद नहीं मिलना चाहिए. पर फिर भी मैंने जैसे तैसे करके उसको अपने से दूर किया और वो रिश्ता तोड़ दिया. बट फिर वो मेरी फैमिली के पीछे पड़ गई. जब जब उसे अपने से दूर किया, वो किसी ना किसी तरह से वापिस आ जाती थी, जैसे उसके अंदर कोई आग हो कि उसने जो चाह लिया वो उसको पाके ही रहना है एट एनी कॉस्ट. क्यों नहीं मिल सकते हम? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? It's not you. Situation ही ऐसी है. Actually एक रात में मीडिया वालों ने मेरी और मेरी कंपनी की धज्जियां उड़ा दी. कंपनी के लॉयर्स भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आई कांट बी सीन विद यू. सो इसलिए यही बेस्ट रहेगा कि तुम अभी घर से काम करो. एंड डोंट वरी, हमारी सैलरी टाइम पे पहुंच जाएगी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. वी हैव नो अदर ऑप्शन. टेक केयर. सर वन सेकंड. पीछे कैसे छूटा उससे फाइनली? पुलिस कंप्लेन करनी पड़ी. मेंटल हैरेसमेंट, स्टॉकिंग, वायलेंस, द केस इज स्टिल ऑन गोइंग. पार्थ, आई थिंक आफ्टर यू मेरी फैमिली उसकी अगली टारगेट है. क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? क्या तुम संजना के अगेंस्ट कोर्ट में टेस्टिफाई कर सकते हो अगर जरूरत पड़ी तो? Thanks. I have a solution. I have a brilliant solution. अगर मैं अपना स्टेटमेंट मीडिया को रिकॉर्ड करके दे दूं कि उस रात हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना? संजना, are you sure? Yes, I am absolutely sure, sir. आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है. अब से तो मेरा ही प्रॉब्लम है. And I can do this for you. Anything actually, anything for you. अभी रिकॉर्ड कर देती हूँ ना. हाय, मैं संजना अरोरा इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि जिस रात मैं फरीदाबाद गई थी और किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी, उस रात मिस्टर देव दीक्षित मेरी हेल्प करने आए थे, मुझे पिकअप करने आए थे. घर लौटते वक्त हमने एक पानी की बॉटल खरीदी जिसमें कुछ मिला हुआ था, पर हमें ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई. उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ था. ये जरूर किसी ने जानबूझ कर किया है. जो तस्वीरें मीडिया में दिखाई जा रही है वो फर्जी तस्वीर है. इस बात को बेवजह उछाला जा रहा है. आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज इस बात को बेवजह उछाले ना. ये मेरी डिग्निटी पे और मेरे करियर पे अफेक्ट कर रहा है, और मिस्टर देव दीक्षित की फैमिली पे भी इसका असर हो रहा है. थैंक यू. सो ये वीडियो मैं आपको सेंड कर रही हूँ. सी, इट्स डन सर. अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब तो सब क्लियर है ना सर. मैं ऑफिस आ सकती हूँ, आपसे मिल सकती हूँ. दैट्स नो प्रॉब्लम राइट? संजना, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. थैंक यू. मैं जल्द से जल्द ये वीडियो मीडिया में देता हूँ. ओके, या टेक केयर. यू टू. And I missed you guys as well. I missed you too, Papa. You missed me? Okay. आप कर क्या रहे हो मगर? बेटा, कि come on Sonakshi, बचाओ मुझे इनसे, क्या कर रही हो? अरे, ऐसे नहीं चलेगा. चो, ऐसे नहीं छोड़ना पापा को. कितने दिनों बाद आया है? हाँ? अरे कोई तो बचाओ. अरे शुभ, चलो उतरो नीचे. शुभ बेटा, पापा को आराम करना है ना, चलो उनको रेस्ट कर ले. देखा, तुमने तो मेरी हेल्प की नहीं, मेरी बहन मेरी मदद के लिए आई. बुआ पापा की सिस्टर है ना, आज उनको ही गिफ्ट मिलेगा भाई भूज का. क्या? भाई क्या है आज? क्या है? भाई भूज.
बुद्धू भाई दुज भाई कुछ नहीं नमस्ते आंटी कैसी हैं आप तुम यहाँ क्यों आई हो आंटी मैं आप लोगों से नमस्ते अंकल देखो हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है तुम प्लीज यहाँ से लौट जाओ ये मेरी मीनल दीदी का ससुराल है आप दोनों उनके सास ससुर हैं तो रिश्ता तो हुआ ना अंकल लेकिन जिससे रिश्ता था वो तो हमें छोड़कर चले गए तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा मैं कुछ लेने देने नहीं आई हूँ क्या मैं अंदर आ सकती हूँ चूल्हे पे फूल कैसा फूले यारियों सा हवा में झूले रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले टांके हुए शर्ट के बटन सा गोद रख सोए बचपन सा हाथ की लाली सा कभी लगे धागा रेशम सा ओ, ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले देखे कभी मेरा गिफ्ट माँ देखो ना भाई को हाँ माँ देख ले नेहा के भाई ले ले थैंक यू सॉरी विकी उस दिन ऑफिस में मैं काम को लेकर तुमसे बहस कर रही थी और यार नॉट एट ऑल यार इन फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू तो होने चाहिए ना ऑफिस में किसी के फिर भी संजना की बातों में आकर ऑफिस के बेसिक्स को जानना समझना भी नहीं चाहा कोशिश भी नहीं की लेकिन अब करूंगी वो भी तुम्हारी हेल्प से ऑफ कोर्स बिल्कुल बिल्कुल तुझे पता जब मैंने भी ऑफिस ज्वाइन किया था ना तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था आई थिंक इट रन्स इन द फैमिली क्यों दे भाई अब दादा की बारी होते हैं रंग प्यार के लाखों फूल बहार के क्या है होते हैं इतना भारी क्यों है ये रंग प्यार माँ पता है क्या किया अब दादा ने एक बार बचपन में ना ऐसे बॉक्स में पत्थर भर के दिए थे मुझे इस बार ऐसा नहीं किया ना इसमें बस इसमें चॉकलेट ना हो नहीं तुम्हारे डॉल हाउस के लिए है कुछ अपने पिगी बैंक से लेकर आया हूँ सो स्वीट ऑफ यू आयुष अरे गिफ्ट खोलो तो सही अरे खोलती हूँ खोलती हूँ आंटी अंकल ये आप लोगों के लिए डोंट वरी शुगर फ्री है त्योहारों का मौसम है सब लोग अपने अपने परिवारों के साथ वक्त बिता रहे हैं मेरे परिवार में तो कोई बचा नहीं बिल्कुल अकेली हूँ इसलिए सोचा आप लोगों से मिल लेती हूँ बाकी दिन तो जैसे तैसे कट जाते हैं फिर आज दीदी की बहुत याद आ रही थी न जाने कितनी यादें होंगी ना उनकी इस घर में मुझे लगा जैसे आज मुझे मेरी दीदी की याद आ रही है वैसे ही आप लोगों को अपने बेटे की याद आ रही होगी आप लोगों का अपना कोई नहीं
जिसके सर पे आप लोग हाथ रख के आशीर्वाद दे सके। वैसे ही मेरा कोई अपना बड़ा नहीं है जिनके पैर छूकर मैं आशीर्वाद ले सकूं। हम लोगों ने परिवार खोया है, इसलिए मैं आप लोगों का दर्द समझ सकती हूँ। क्या हम एक दूसरे का परिवार नहीं बन सकते? मैं भी कितनी बेवकूफ थी ना जो उस संजना की मीठी मीठी बातों में आ गई, उस पर विश्वास किया, उसकी हर बात को, हर एडवाइस को आंखें बंद करके फॉलो किया। आई एम सॉरी भाभी, आपके और अपने बीच मैंने एक दीवार बना रखी थी। बजाय अपनों की बात सुनने समझने के, मुझे पराए लोगों की बात ज्यादा रास आने लगी थी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके नेहा। नेहा, इट्स ओवर नाउ। संजना हमसे दूर जा चुकी है, और वैसे भी संजना ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इस घर में बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट किया है। सो यू डोंट हैव टू से सॉरी। नाउ वी आर ऑल टुगेदर। यू नो, संजना का एक एक्स है पात्र, उसने मुझे बताया कि संजना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इंटीरियर डिजाइनिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या बात कर रही हो भाभी? मतलब वो जो उसके रिज्यूमे, डिग्री, सर्टिफिकेट, वो सब फेक थे? मुझे सुखी जी ने बोला भी था कि एक मिस प्रेरणा शर्मा नाम की लड़की है जिसके डिजाइन संजना ने चुराए थे। उस टाइम पे तो मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन आई थिंक वो जो ईडी की रेड हुई थी ना हमारे ऑफिस में, वो भी इसी ने करवाई थी 100%। हाँ, आई नो, इट्स सो ऑब्वियस नाउ, सब कुछ संजना ने ही किया है, क्योंकि वो ईडी ऑफिसर्स भी यही कह रहे थे कि हमारे ऑफिस से ही किसी ने इन्फॉर्मेशन भेजी है। इसीलिए मुझे लगा कि हाउ कैन आई नॉट ट्रस्ट सुखी। मैंने उसे फोन करके सॉरी तो कहा है, होपफुली ही जॉइन सून। संजना की केक की लिस्ट बढ़ती जा रही है, पर जो कुछ भी उसने किया है, आई थिंक वी शुड फाइंड आउट। चलो दादी, पहले आप ही स्टार्ट करो। मैं ही बोलूं पहले? हाँ। अच्छा, कोई भी शब्द चलेगा ना? मतलब अंग्रेजी हो या हिंदी, कोई भी ना? जो आपका मन करे। मेरा मन घर। किचू भैया, अब आपकी बारी। मैं भी बोलूं? हाँ। चलो चलो बोलो। सुंदर। अब मेरी टर्न। हाँ। प्यारी। सोआ, अब तुम बोलो। फैमिली। हाँ, तो अभी सबकी बारी हो गई। अब ये हमारे स्टोरी का फर्स्ट पार्ट हो गया। मैं समझ गई। कैसे, क्या? हमारे सुंदर से घर में एक प्यारी सी फैमिली रहती है। हाँ। अरे हाँ, ये बहुत अच्छा खेल है। लेकिन अपनी फैमिली अपनी फैमिली होती है, किसी दूसरे का घर कितना भी सुंदर हो, अपना नहीं होता। किचू, बच्चों को लेकर जा अंदर। जा। क्यों? बच्चों को क्यों अंदर भेज रही है? उन्हें भी तो सच पता होना चाहिए। और वैसे भी हम सोहा को मिलने आए हैं, तो उसे यहाँ रहना ही चाहिए। बहुत चले आप लोगों के हिसाब से, अब बस हो गया, अब नहीं चलेंगे। अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही है? बैठिए ना, हम शांति से बात करते हैं। बातें कर करके ही तो हर बार बरगलाया है हमें आपने। लेकिन आज हम यहाँ फैसला करने आए हैं। अचानक क्या हो गया है आप लोगों को? अचानक नहीं, अपनी पोती से दूर रहने का दर्द सहा है हमने, कभी जताया नहीं, लेकिन गलती हो गई, आज सुधारने आए। आज हम इसे लेकर जाएंगे। देखिए, मुझे नहीं पता अचानक से इसे क्या हो गया है जिसकी वजह से आप ये सब बातें कर रहे हैं, पर हम शांति से बैठकर बात करेंगे। ये सारी बातें हम बच्चों के सामने नहीं करेंगे, आप बच्चों को लेकर जाओ। आप इस तरह से बातें कर रहे हैं जैसे कि हम कहीं से भी उठकर चले आए हैं। ये हमारी पोती है जो इस घर में रहती है, हमारा इस पर हक है। अच्छा,
सब की बात कर रही हैं आप? हक उस पर जमाया जाता है जिसे गोदी में खिलाया हो, जिसे उंगली पकड़कर चलाना सिखाया हो, जिसे गिरने पर मरहम लगाया हो, जिसके आंसू पोंछे हो। उस पर हक तब जताया जाता है जब उसे हर मुसीबत और हर तकलीफ से बचाया हो। ऐसे उदाहरण देकर दुनिया की रीत नहीं बदल सकती आप। वो युग गया जब पालने वाला जन्म देने वाले से बड़ा माना जाता था। तो ऐसे दलीलें मत दीजिए हमें। बच्चे पर उस परिवार का हक बनता है जिसमें वो जन्मा। आज की बात करते हैं। आज तक हमने शराफत से बात की है जिसे आपने हमारी कमजोरी समझ के रखा। शराफत का इम्तिहान तो आप मेरा ले रहे हैं। इतना समझा रही हूँ आपको पर आप समझ ही नहीं रहे। देखा आपने, सुना आपने, इस घर के लोगों की भर भर के तारीफ करते थे ना आप, थकते नहीं थे। अब सुन लीजिए, हमें धमका कर घर से बाहर जाने के लिए कह रही है। ये धमकी नहीं, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मेरे बेटे और बहू को घर आ जाने दीजिए। मैं उनके साथ आपके घर आऊंगी, हम बैठकर शांति से बात करेंगे, पर अभी बच्चों के सामने तमाशा मत खड़ा कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे। तो ठीक है, हम भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं हमारी पोती को हमें यहाँ से लेके जाने दीजिए। आप मेरे बारे में बात कर रही है? हाँ बेटा, हम तुम्हें लेने आए हैं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा असली घर नहीं है जिसे तुम मम्मी पापा कहती हो। वो तुम्हारे असली मम्मी पापा नहीं है। तुम्हारे असली दादा दादी हम हैं और हमारा घर ही तुम्हारा असली घर है बेटा। दादी ये लोग झूठ बोल रहा था। हाँ बेटा, ये क्या बोल रही हैं आप झूठ क्यों बता रही हैं? सच बताइए बेटा, ये झूठ बोल रही है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नहीं, मेरी मम्मी ने सिखाया कि झूठ बोलना बुरी बात होती है। हाँ हाँ, तुम्हें अच्छा सिखाया है, लेकिन जिसने सिखाया है वो तुम्हारी मम्मा नहीं है, वो झूठ बोल रही है। नहीं, मेरी मम्मा कभी झूठ नहीं बोलती। मैं आपको बताती हूँ। सही, कौन समझाएगा इसे? मैं बता रही हूँ, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? समझिए मेरी बात को, सच्चाई सामने लाने से। हम ये देखो, ये मैं एकदम छोटी थी तब से मैं मम्मी पापा के साथ हूँ, और मैं और मम्मा कोलकाता भी गए थे। 7 इयर्स तक मेरे पापा नहीं थे। नहीं बेटा, मेरी बात सुनो, ये सच नहीं है। आयुष तुम्हें सच बताएगा। आयुष, सुहा को बताओ सच क्या है, बताओ बेटा। डर मत, हम है ना, तू बता दे, सच बता दे। आप क्यों बच्चों के सामने ये सब कर रहे हैं? वेद बेटा, ले जाए इसे अंदर। चल, आप बच्चों को बार बार क्यों अंदर भेज रही है? बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मम्मा, मम्मा ये लोग क्या कह रहे हैं? मैं आपकी डॉटर नहीं हूँ। देखिए, हम खेले में बात कर सकते हैं। नहीं, जो भी होगा यही होगा बच्चों के सामने। नहीं प्लीज, बच्चों के सामने कुछ नहीं, हम अंदर जाके बात करते हैं। सवाल ही नहीं उठता, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग ही मेरे मम्मी पापा हो ना? आप लोग चुप क्यों हो? सच बता दो उसे, यही सबके लिए अच्छा होगा। पर मैं बता रही हूँ ना, और आप लोग झूठ कह रहे हो बस। सोहा, सोहा बेटा, सोहा, सोहा रुको, सो, सो, क्या हुआ? सो रुको।
सुहा। सुहा प्लीज ओपन द डोर सुहा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.